देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया बेस्ट और आपके साथ मैं शिवानी। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। संदिग्ध परिस्थितियों में किशोर की हुई मौत। आम के पेड़ पर लटका मिला शव। परिवार में सबसे छोटा बेटा था अरुण 12 वर्षीय। खेत पर गया था आम तोड़ने। सूचना के बाद मौके पर पहुंची क्षेत्रीय पुलिस व सीओ डीबाई और फॉरेंसिक टीम। मौत के कारणों की जांच में जुटी पुलिस। मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मौत की सूचना पर ग्रामीणों का लगा जनसैलाब। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल। जनपद बुलंदशहर के छतारी थाना क्षेत्र के गांव सालाबाद का है पूरा मामला। बुलंदशहर से धर्मेंद्र निगम की देखिए खास रिपोर्ट। एक डेड बॉडी मिली है, क्या मामला, किस तरह जो संज्ञान में? ये थाना छतारी के अंतर्गत ग्राम सालाबाद में जो है पुलिस को सूचना मिली कि एक बच्चे ने जो है जिसकी उम्र लगभग 12 वर्ष है, जिसका नाम अरुण कुमार है और वो ग्राम सालाबाद का ही रहने वाला है। पुलिस को ये सूचना मिली थी कि 12 वर्ष के बच्चे की जो है पेड़ पर जो है लटक कर जो है समीप परिसरों में उसकी मौत हो गई है। इस सूचना पर जो है पुलिस पहुंची। पुलिस ने जो है फॉरेंसिक टीम बुलाई है। फॉरेंसिक टीम के द्वारा जो है फोटोग्राफी और सब करने के बाद शव को जो है पीएम हेड पहुंचने भेजा जा रहा है और पीएम में जो रिपोर्ट आई है साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर कोई तहरीर मिली है? अभी तहरीर तहरीरों ने नहीं दिया है। जैसे भी तहरीर देंगे उसके अनुसार ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आपका कहाँ के रहने वाले हैं? संजय कुमार शर्मा, गाँव सारा। अच्छा, ये जो घटना हुई है कैसे घटना हुई, क्या आपने देखा? मैंने यहाँ मैं घर गया था, अपने घर से आकर देखा तो यहाँ पे ये पेड़ से लटका हुआ मिला और इसके साथ में एक इसका जो अनिल चाचा था वो यहाँ मौके पर मिला। जी, आपने कैसे सूचना, किसको सूचना दी सबसे? यहाँ से जाकर इनके घर कहके आया, घर के सब लोग। पुलिस को किसने सूचना दी? पुलिस को मैंने सूचना दी। अच्छा, कितने बजे की घटना लगी हुई? 1:38 समय पर पुलिस को सूचना कर दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद है। कहाँ के रहने वाले हैं? सालाबाद। अच्छा, जो आपका बच्चा खत्म हुआ है आपको किसने सूचना दी? पंडित जी ने सूचना दी थी, मुकुत जी। अच्छा, क्या लगा आपको जो कैसे देखा आपने बच्चे को अपने यहाँ मौके पर पहुंचकर, कैसा देखा? बिल्कुल नहर के नहीं, जमीन पकड़ा के वहाँ जो है एक लड़की मेरी आई वहाँ गोद मिटा दो एकदम। कितने बजे घटना है लगभग? लगभग जैसे करीबन 1:30 बजे के बीच की बात है। अच्छा, कौन कौन लोग आए सबसे पहले यहाँ? सबसे पहले तो मैं और पंडित जी भाग के आए जी बस। अच्छा, पंडित जी पहले घर गए मेरे, घर से लौट के आए मैं संग ही। पुलिस को किसने सूचना दी थी? पुलिस को शर्मा जी ने दी थी, हमारे पंडित जी ने। क्या लग रहा है आपको, कितने किसको आपको क्या लग रहा है? मेरे भैया ही ने मार दो जी, मेरे भाई मेरा लड़का जो है। अच्छा, वो और कोई है ही ना वहाँ जी, तो वही मौके पर मिलवा जी और वही भाग रो जी यहाँ से जो है। जो शर्मा जी ने बात दिया रोक रोक कहाँ जा रहा है तो तुरंत रुकवाओ। कोई आपका विवाद था? कोई विवाद नहीं था मेरा उससे। फिर वो क्यों मारेगा? विवाद कोई नहीं मेरा। फिर क्यों मारेगा वो? वन मार तो देखो जी मेरा बच्चा जो हुआ नहीं। इस तरह कैसे मारेगा? क्या कोई झगड़ा पहले हुआ कभी? पहले कोई झगड़ा ना भाई, आपस में परिवार में कोई विवाद पहले तो जैसे है मौजूदगी फौजूद ऐसा कोई विवाद? बच्चा आज से पहले भी इसके साथ गया कभी? ना ऐसा तो आज जाते बैठते उठते हमारे घर ही आके बैठते हो, घर में आके बैठते, कोई टेंशन नहीं हमारे। जो घर से आया तो ये किसके साथ आया? यही के संग आया हो जी, जब लेवा के लाया हो तो तूने यहाँ लोड़ा और लोड़ा लेवा के लाया हो, हमारा कोई काम ना मतलब तो खत्म। यहाँ खेत पे जिसमें मरा है यहाँ कोई काम करते थे? अब कैसे क्या था? आज हमने धान भी लगाया उनके बेचारे इनके और काम भी करो हमने। कब लगाए थे धान? परसों पहले दिन धान लगाए इनके जो हमने। ये बताया जा रहा है कि आम तोड़ने आया था, क्या आम तोड़ आप आए थे? आम तोड़ने कल तोड़ दे आम, हमने सब बालक मिल के आए, हम सुन्न सनी फसल लेके आए जो चढ़ी पेड़ पे, सब बटुल ले गए, थोड़ी बहुत रह गए तो मैंने टपक जाए टपक जाते धान खरीद रहे। क्या नाम है आपके बच्चे का? अरुण जी। उम्र कितनी है? उम्र जी 10 साल के बीच में ही है वो, जो 10 साल के। कौन सी क्लास में पढ़ता है? 5वीं पढ़ता। कितने बच्चे आपके पास? 2 ही बच्चे हैं जी मेरे पास। लड़की कितनी है? लड़की 4 है। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।